हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं गीता, स्वागत करती हूं आप सबका वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स में। आज हम देखने वाले हैं प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर के बारे में। तो प्रेशराइज्ड हैवी रिएक्टर यानी क्या होता है? सो इट इज़ अ टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। हमने न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं उसको हम पावर प्लांट्स में यूज़ करते हैं, और न्यूक्लियर रिएक्टर की वजह से ही हमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट की जाती है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है, अगर आपने इसके पहले का लेक्चर नहीं देखा है तो वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। फिर भी मैं आपको आगे न्यूक्लियर रिएक्टर और उसके अंदर की जो प्रोसेस है उसको स्टडी करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर जो है वो डिफरेंट कैसे है। जो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर होता है इसके अंदर हम हैवी वाटर को यूज़ करते हैं। हमने इसके पहले जो प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर पढ़ा था उसमें हम लाइट वाटर को यूज़ करते थे, तो उसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, इसीलिए हम यहाँ पे प्रेशराइज्ड हैवी वाटर में हैवी वाटर का यूज़ करते हैं। हैवी वाटर यानी क्या? तो हैवी वाटर इज नथिंग बट इट इज़ यूज, क्योंकि जो नॉर्मल वाटर होता है हाइड्रोजन की जगह जो ड्यूटेरियम ऑक्साइड है उसको हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, जो कि एक आइसोटॉप है हाइड्रोजन का, इसीलिए हम इसको हम हैवी वाटर कहते हैं। जैसे इसके हाइड्रोजन आइसोटॉप चेंज होता है, वैसे ही इसके कुछ न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज जो है वो भी चेंज हो जाते हैं। तो इसके क्या फंक्शंस है, इसके क्या इंपॉर्टेंस है, वो हम आगे देखेंगे। सो जो हैवी वाटर रिएक्टर है यहाँ पे, इसका काम होता है कि वो एक कूलेंट की तरह भी एक्ट करता है और एक न्यूट्रॉन मॉडरेटर की तरह भी। सो हियर इट इज, दिस इज द डायग्राम ऑफ प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। लेकिन ये डायग्राम समझने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर्स होता है उसके अंदर दो प्रोसेस होते हैं। एक होती है न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस और दूसरी होती है न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस। तो ये दो प्रोसेस क्या होते हैं? सी, जो न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस है इसमें क्या न्यूक्लियर ब्रेक डाउन होता है इंटू टू स्मॉलर न्यूक्लियर, तो वहाँ पे बहुत सारा एनर्जी बाहर निकलती है, बहुत सारी हीट बाहर निकलती है और कुछ न्यूट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, और ये जो प्रोसेस होती है इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस। एक छोटा न्यूक्लियर, एक्चुअली एक छोटा न्यूट्रॉन आके इस न्यूक्लियस पे जब टकराएगा तो उसकी वजह से, क्योंकि ये बहुत ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, यूजुअली हम यूरेनियम को यूज़ करते हैं, तो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है। तो जैसे एक छोटा सा न्यूट्रॉन आके इस पर टकराता है तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है इंटू द स्मॉलर न्यूक्लियर, और ये बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है और उसके साथ साथ कुछ न्यूट्रॉन्स भी रिलीज करता है, और ये जो प्रोसेस होती है ब्रेक डाउन की, उस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस। उसी के बिल्कुल अपोजिट होती है न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन यानी फ्यूज़ होना। तो छोटे छोटे न्यूक्लियर जब फ्यूज हो जाते हैं और फॉर्म करते हैं एक बड़ा न्यूक्लियर, तो उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस। अब ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस है ये यूजुअली सन में हम देखते हैं। जो सन है, सन के अंदर नथिंग बट न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस हो रही है। तो ये दोनों प्रोसेस में क्या होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। अब ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी का हम यूटिलाइज करते हैं इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। तो वही आज हम देखने वाले हैं। सो सी, दिस इज अवर डायग्राम। इस डायग्राम में यहाँ पे ये फ्यूल एलिमेंट जो आपको दिख रहा है, जो रेड कलर का पार्ट दिख रहा है, दिस इज अ फ्यूल एलिमेंट, मतलब यहाँ पे हो रही है हमारी न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस। तो यहाँ पे होता क्या है एक्चुअली, जो फ्यूल एलिमेंट है इट इज़ नथिंग बट कि यहाँ पे हम यूरेनियम का यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारा ये प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है, तो यहाँ पे हम यूरेनियम 235 को यूज़ करते हैं, क्योंकि वो एक नेचुरल एलिमेंट है, मतलब यूरेनियम को हम नेचुरल फॉर्म में यूज़ करते हैं, राइट। सो जो आपको रेड कलर का दिख रहा है दिस इज़ अ यूरेनियम। देन यहाँ पे आपको जो ये जो येलो कलर के पाइप्स दिख रहे हैं दिस आर द प्रेशर ट्यूब्स। यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंदर हैवी वाटर जो है वहाँ पे फ्लो हो रही है। जो ब्लैक साइड में आपको ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है दिस इज अ कैलेंड्रिया एंड विच इज़ एक्चुअली अ मॉडरेटर, हैवी वाटर मॉडरेटर है, और ये जो ब्लैक कलर के वो दिखाई दे रहा है दिस आर द कार्बन रॉड्स। देन ये हैवी वाटर पंप है, यहाँ से हम हैवी वाटर को पंप करेंगे। दिस ब्लू एंड रेड कलर का जो चैम्बर आपको दिखाई रहा है दिस इज एक्चुअली द हीट एक्सचेंजर। यहाँ पे हीट एक्सचेंज होगी, मैं बताती हूँ कि हीट कैसे एक्सचेंज होती है और कहाँ से आती है। देन दिस रेड कलर पार्ट व्हाट यू आर सीइंग इज इट इज़ अ स्टीम। यहाँ से स्टीम फ्लो होगी, मतलब जो वाटर वेपर्स है वो फ्लो हो गए। देन यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है दिस आर द टर्बाइंस, दिस इज द जनरेटर, एंड यहाँ पे ग्रिड लगी हुई है जहाँ पे एक्चुअल में जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसको हम फ्लो करवाएंगे। एंड यहाँ पे नीचे जो टर्बाइंस के नीचे आपको दिखाई दे रहा है दिस आर द कंडेंसर, यहाँ से वाटर फ्लो होगा एंड दिस इज द वाटर पंप, राइट। ऑल अबाउट द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। अभी हम देखते हैं कि ये जो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है इसकी वर्किंग किस तरह से होती है।
तो सबसे पहले क्या होता है कि हैवी वाटर जो है वो फ्लो होता है हैवी वाटर पंप से यहाँ से। जब ये पास होता है प्रेशर वाटर ट्यूब्स में, तो जो फ्यूल एलिमेंट है, फ्यूल एलिमेंट क्या करता है कि वहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस होगी, जो अभी मैं आपको एक्सप्लेन की। जब वो प्रोसेस हो रही है तो उस प्रोसेस में बहुत सारे न्यूट्रॉन्स निकलेंगे और बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी भी निकलेगी। तो ये जो हैवी वाटर है वो हैवी वाटर की वजह से क्या होगा, तो ये जो हैवी वाटर है सो इट गेट्स हीटेड बट इट डजंट गेट बॉइल्ड। तो वो वाटर जो है वो बॉइल नहीं होगी, अंडर द प्रेशर वो वर्क करती है। देन इट फ्लोज इन टू दीज पाइप्स, ये पाइप्स के अंदर फ्लो होगी, लेकिन जब यहाँ से ये हीट एक्सचेंजर चैम्बर के अंदर जो हैवी वाटर है वो फ्लो होती है, तब जो ऑलरेडी यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है हीट एक्सचेंजर के अंदर, जो कि नॉर्मल वाटर है, उस नॉर्मल वाटर के साथ जो हैवी वाटर है वो हीट जो है वो एक्सचेंज करती है। मतलब यहाँ से यहाँ पे जो थर्मल न्यूट्रॉन्स है, वो जो न्यूट्रॉन्स है वो अपनी थर्मल एनर्जी यानी जो हीट एनर्जी है वो ट्रांसफर करते हैं इनटू दिस पाइप, मतलब ये जो डिफरेंट अलग पाइप्स है उसके अंदर। फिर उस जो बिकॉज द हीट इज़ एक्सचेंज, क्योंकि यहाँ पे थर्मल एनर्जी एक्सचेंज हुई है, उसके वजह से यहाँ पे रहने वाला जो वाटर है दैट गेट्स हीटेड और यहाँ पे स्टीम जनरेट होगी। अब ये जो स्टीम जनरेट हो रही है वो स्टीम जो है यहाँ से फ्लो करेगी इनटू द टर्बाइंस। बिकॉज ऑफ द स्टीम द टर्बाइंस विल स्टार्ट रोटेटिंग, तो यहाँ पे टर्बाइंस जो है वो रोटेट करना स्टार्ट करेंगे। जैसे टर्बाइन स्पिन करेंगे वैसे ही उससे अटैच जनरेटर है, जनरेटर भी यहाँ पे रोटेट करना स्टार्ट करेगा। अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो स्टीम है उसके वजह से टर्बाइन रोटेट कर रही है, मतलब टर्बाइन रोटेटिंग रोटेट कर रही है, मतलब वहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। एंड देन दिस मैकेनिकल एनर्जी विल गेट कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द जनरेटर, और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो ग्रिड के थ्रू या फिर जो ट्रांसफार्मर्स है उसके थ्रू हम डिफरेंट इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं। अभी लेकिन यहाँ पे जो स्टीम टर्बाइंस के वजह से यहाँ पे जो स्टीम जनरेट हुई है या फिर जो स्टीम यहाँ पे बच गई है, वो जो स्टीम है वो जाती है इनटू द कंडेंसर, क्योंकि उस स्टीम का भी तो प्रॉपरली यूज होना चाहिए, तो वो जाती है इनटू द कंडेंसर एंड देन इट गेट्स कन्वर्ट इनटू द वाटर। जो स्टीम है वो वाटर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, फिर वाटर पंप के थ्रू उसको फिर से फीड किया जाता है इनटू द हीट एक्सचेंजर, और ये जो प्रोसेस है ये ऐसे ही कंटिन्यू चलते रहती हैं। वैसे ही यहाँ पे भी हैवी वाटर पंप जो है यहाँ से वाटर जो है वो ट्रांसफ़र होगा, यहाँ पे वो गर्म हो जाएगा, फिर वो प्रेशराइज ट्यूब के थ्रू पास होके फिर से वो जाएगा टू द हीट एक्सचेंजर, जहाँ पे वो जो यहाँ पे ऑलरेडी जो वाटर प्रेजेंट है उसके साथ जो थर्मल एनर्जी है यानी जो हीट है उसको एक्सचेंज करेगा, एंड अगेन दिस प्रोसेस गोज ऑन कंटिन्यू। इसमें इट इज़ जस्ट सेम लाइक, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इट इज़ द प्रोसेस इज सेम जैसे कि हमने प्रेशराइज वाटर रिएक्टर में भी देखा था। बस इसमें डिफरेंस ये है कि क्योंकि ये हैवी वाटर है, तो हैवी वाटर होने की वजह से यहाँ के क्योंकि हम यहाँ पे हैवी वाटर यूज़ करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि जो न्यूट्रॉन्स यहाँ पे जनरेट होते हैं, जो एनर्जी के मैंने कहा था कि जो फ्यूल एलिमेंट है उसके साथ कुछ न्यूट्रॉन्स भी जनरेट होते हैं, तो हैवी वाटर जो है उन न्यूट्रॉन्स को कम एब्जॉर्ब करता है और ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल कराता है फॉर द फ्यूजन प्रोसेस। मतलब यहाँ पे जो न्यूट्रॉन्स निकलेंगे वो न्यूट्रॉन्स जो है वो हैवी वाटर ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करेगा, बल्कि वो अगली फ्यूजन की जो प्रोसेस है, मतलब जो चेन रिएक्शन है, उसको कंटिन्यू करने के लिए हेल्प करेगा। सो दिस इज द वर्किंग, जो हमने इसके पहले भी डिस्कस किया है, इसको एक बार देख लेते हैं। सो जो हैवी वाटर है एक्चुअल में हम इसको क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंदर रखते हैं। इससे क्या होता है, जब हम वाटर को बहुत प्रेशर के अंदर रखते हैं तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाता है। अभी देखो, हम ये नहीं चाहते कि जो हमारा वाटर है वो बॉयल होना चाहिए, इसलिए इससे क्या होगा, जब उसको हम प्रेशर में रखते हैं तो जो वाटर है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होता है। नॉर्मली उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, राइट? तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर पर भी वो बॉइल नहीं होगा। So it can operate at the high temperatures without boiling, without getting boiled. फिर राइट, सो जो हैवी वाटर है वो फ्लो करता है into the heat exchanger. Sorry, it is not a steam generator that flows into the heat exchanger. Then it transfers the thermal energy, मतलब वो जो thermal energy है उसको transfer करता है where the heat is generated, जहाँ पर जो heat है वो transfer होती है into heat exchanger. Then steam then फिर जो स्टीम है वो पास होती है टू द टर्बाइंस एंड देन टू द इलेक्ट्रिक जनरेटर ओवर देयर। सो सी
यहाँ पे क्या होगा, ये जो फ्यूल एलिमेंट है यहाँ पे हीट हीट जनरेट होगी, मतलब हीट होगी जिसकी वजह से जो हैवी वाटर है दैट गेट्स हीटेड, देन इट पासेस टू द हीट एक्सचेंज, जहाँ पे हीट एक्सचेंज होगी, देन द स्टीम इज जनरेटेड, स्टीम जो जनरेट हुई है वो फ्लो करेगी टू द टर्बाइंस, टर्बाइंस विल स्टार्ट रोटेटिंग एंड देन बिकॉज ऑफ द टर्बाइंस यहाँ पे क्या जनरेट होगी, इनटू द जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, फिर जो स्टीम है वो पास होगी इनटू द कंडेंसर जहाँ पे वो कूल हो जाएंगी एंड अगेन इट विल फॉर्म द इनटू द वाटर एंड देन दिस वाटर एंड दिस साइकिल गोज ऑन कंटिन्यूअस. सो व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर एंड प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर. तो पहला डिफरेंस तो ये है कि प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर में हम लाइट वाटर का यूज करते हैं और प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर में हम हैवी वाटर का यूज करते हैं. दूसरी बात यह है कि जो प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर है उसमें हमने एनरिच यूरेनियम को यूज किया था जो कि बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, लेकिन जो प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर है इसके अंदर हम नेचुरल यूरेनियम का यूज करते हैं और क्योंकि हम यहाँ पे नेचुरल यूरेनियम का यूज करते हैं तो ये सेल्फ सस्टेनिंग है, मतलब सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, जो फ्यूजन की प्रोसेस है वो सेल्फली, मतलब चेन रिएक्शन जो है वो कंटिन्यूसली खुद से ही होते रहती है, ठीक है, खुद से वो प्रोसेस कंटिन्यू करते रहती है. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर है क्योंकि हम उसमें लाइट वाटर का यूज करते हैं तो वहाँ के जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो न्यूट्रॉन्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जो फ्यूजन की प्रोसेस है वो कंट्रोल में रहती है. वैसे ही जो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है इसमें क्योंकि हम ड्यूटेरियम ऑक्साइड को यूज़ करते हैं तो यहाँ पे जो इसकी कम से कम न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करते हैं लेकिन बहुत इफिशियंटली वो वर्क करता है फॉर द फ्यूजन प्रोसेस. मतलब प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर में न्यूट्रॉन्स भी कम एब्जॉर्ब हो रहे हैं और जो फ्यूजन की प्रोसेस है वो खुद से ही सेल्फ जो चेन रिएक्शन है वो कंटिन्यूसली चल रही है. तो दिस आर द मेन फीचर्स और आप बोल सकते हो या फिर दिस आर द डिफरेंस ऑफ प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर एंड प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर. देन नाउ कम्स सम इंटरेस्टिंग पॉइंट टू नो दैट डिड यू नो कि हमारा जो इंडिया का सबसे 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वैट्स का जो प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर है जो कि प्रेजेंट है गुजरात के ककरापुर साइट पे, उसने क्रिटिकलिटी अटेन कर ली थी ऑन 22nd of July 2020. मतलब लास्ट ईयर की ही बात है कि उसने जो क्रिटिकलिटी है उस पावर प्लांट की वो अटेन कर ली थी. नाउ व्हाट इज क्रिटिकलिटी वो हम आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पे कौन सा जो यहाँ पे एक्चुअली 4 यूनिट्स हैं, मतलब जो 2 यूनिट्स है KAPS-1 and KAPS-2 ये ऑलरेडी फंक्शन में है, तो जो KAPS-3 है ये जो थर्ड यूनिट 3 ने क्रिटिकलिटी अटेंड की, लेकिन क्रिटिकलिटी यानी होती क्या है, तो जैसे इसका नाम है क्रिटिकलिटी वैसी नहीं है, क्रिटिकल मतलब कुछ क्रिटिकल सिचुएशन नहीं हो गई थी. एक्चुअली क्या होता है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो क्रिटिकलिटी जब कहते हैं कि उसने क्रिटिकलिटी अटेंड कर ली, इसका मतलब ये होता है कि हमने पढ़ा है कि जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर है उसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस होती है. अब ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस होती है उसमें मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर न्यूट्रॉन्स निकलते हैं और जो न्यूट्रॉन्स है उन न्यूट्रॉन्स की वजह से फर्दर चेन रिएक्शन होती है. तो क्रिटिकलिटी ये एक ऐसा है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट ने क्रिटिकलिटी अटेंड कर ली है, मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर इतने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जनरेट हो गए हैं जिसके वजह से जो फ्यूजन की प्रोसेस है वो सेल्फ सस्टेन हो गई है. मतलब हम एक्सटर्नली हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो वहाँ पे बन गए हैं फ्यूजन की प्रोसेस के वजह से वो इतने सफिशिएंट है कि वो फर्दर जो फ्यूजन की प्रोसेस है उसको कंटिन्यू कर सकेंगे, राइट. सो इन टर्म्स, इन जनरल टर्म वी कैन से कि व्हेन एवरी न्यूक्लियर फ्यूजन इवेंट रिलीजेज ए सफिशियंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इतने सफिशियंट न्यूट्रॉन्स वो रिलीज करता है to sustain an ongoing series of reaction, जो series of reaction है उसको sustain कर सके और ongoing मतलब continuously वो चलते रहें, और a self-sustaining chain reaction मतलब जो chain reaction है वो self-sustaining है, हमें externally neutrons add करने की ज़रूरत वहाँ पर नहीं पड़ती है. ऐसी जब condition होती है उस condition को हम कहते हैं that the power plant has attained the criticality. So it is actually the good news for us, okay. सो आई होप सो कि आपको जो न्यूक्लियर प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर है उसका कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. सो डू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन. थैंक यू एंड कीप वॉचिंग.